हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी उर्फ AK चौधरी साहब और मैं आपके साथ हूँ इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी UPSC। तो आ जाओ यार, जल्दी से लाइव आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आप देख ही सकते हो मेरे जस्ट पीछे, टॉपिक इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनो। मेरे पास एक मेल आया तो मुझे बताया कि सर शेड्यू जोन आपने नहीं कराया, तो आज शेड्यू जोन भी करा देता हूँ। एक टॉपिक छोटा सा था, हालांकि उसमें कुछ था नहीं बट छूट गया था, दैट्स वाज शेड्यू जोन अर्थक्वेक के अंदर, तो वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो एक बार जल्दी से आप लोग सभी लाइव आ रहे हो और सेशन को लाइक करोगे और सेशन को क्या करने वाले हो, आप शेयर करने वाले हो, और उसके बाद में अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अभी मैं नाम ले देता हूँ कौन कौन है। आकांक्षा दुबे हमारे साथ है, खुशबू हमारे साथ है, अली सिद्दकी, रमाकांत नाज, MD सोनम, विशाल, मोहिनी, बहुत बढ़िया, हीना, उसके बाद शिवम, तेजस्विनी, आकांक्षा, काजल ठाकरान, विशाल, धर्मेंद्र, रमाकांत, हिरांजन, निहाल, उसके बाद में है हमारे पास ज्योति, वंश, सारे लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत शाहिल प्रणाम, अली सिद्दकी प्रणाम, निहाल, आ जाइए सभी लोग यार, इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल और जिसको नंबर वन बनाया आपने, ठीक है। नंबर वन इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे हो, सारे के सारे जो विद्वान लोग हैं, गुणी ज्ञानी जो लोग हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। तो आज पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। आई होप देखो यार, वोल्केनो क्या होता है आप जानते हो, है ना। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार उसको बताऊंगा नहीं। क्या होता है ना, पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं तो तीन डिफरेंट लेयर होती हैं, अलग अलग लेयर, है ना। बस बिल्कुल एकदम शॉर्टकट में, एकदम बहुत ही छोटा सा एकदम बता देता हूं ताकि आपको एक बार कनेक्ट कर पाओ, आप जोड़ पाओ, बस और कुछ मैं इसको ज्यादा एलोबरेट नहीं करने वाला, डोंट वरी। पृथ्वी के अंदर तीन डिफरेंट लेयर होती हैं। देखो सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर होती है आपका कोर, उसके बाद दिस इज मेंटल एंड दिस इज आपका क्रस्ट, ठीक है। तीन लेयर होती है, सब लोग जानते हो ना। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर, देखो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो डेप्थ के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज एंड टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, पता है आपको। तो इसकी वजह से क्या होगा, डेप्थ बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से यहाँ स्टेट चेंज होती है। स्टेट कैसे चेंज होती है, जैसे हमारे पास ये कैसी फॉर्म में था, सॉलिड, क्रस्ट सॉलिड थी, अब और अंदर गया तो ये पिघल गया, पिघल के कैसा हो गया, ये सेमी सॉलिड हो गया, और अंदर गया तो ये क्या हो गया, आपका लिक्विड हो गया। अभी जो लिक्विड यहाँ प्रेजेंट होता है ना, बस इसको दो नामों से जाना जाता है, एक तो नाम होता है लावा और दूसरा होता है मैग्मा। लावा कब बोलते हैं, जब ये आपका क्या हो जाए, जो सतह तोड़ के बाहर आ जाए, व्हेन इट कम्स आउटसाइड द सरफेस, जब सतह तोड़ के बाहर आ गया तो लावा कहलाएगा, और व्हेन इट इज इनसाइड द सरफेस, भाई जब सरफेस के अंदर होगा, जब सतह के भीतर रहेगा, तो इसको हम क्या बोल लेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी नोन एज द मैग्मा। देयर आर टू थिंग, वन इज लावा एंड द सेकंड इज मैग्मा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, दोनों चीज अपन ने पढ़ ली, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लावा होता है, ये मैग्मा होता है ना, बड़ा बेचैन होता है आपका, इनके इसका अंदर मन नहीं लगता बिल्कुल भी, कतई मन नहीं लगता। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है नहीं है जो अनस्टेबल रहना चाहे, है ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, गर्मी का टाइम, अब देखो गर्मी आने वाली है ना, अब ठंड में आप लोग कंबल ओढ़ के धूप में बैठते थे, अब गर्मियों में ऐसा ही करा दूं आपको, अब जून के महीने के अंदर मैं आपको कंबल उड़ा के ना छत पे बिठा दूं, कितनी देर बैठे रहोगे, कोई भी नहीं बैठा रहेगा, क्यों, क्योंकि सर तापमान ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली जैसे वहां है, तो हीट की वजह से, तापमान ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी के अंदर भी अनस्टेबिलिटी जो है वो जनरेट हो जाती है, और कोई भी चीज अनस्टेबल नहीं रहना चाहती, एवरीथिंग वांट्स टू गेट स्टेबल, है ना। आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो बट स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, व्हाई, बिकॉज यू वांट टू बी स्टेबल, भाई स्टेबल होना है हमें सर, इसलिए हम चाहते हैं। तो यही कारण है कि जो अंदर जो लावा भरा पड़ा होता है ना, ठीक है, ये सतह के नीचे लावा भरा पड़ा होता है, इस लावे के अंदर होता है कन्वेक्शन करंट, संवहनीय धाराएं, इसके अंदर क्या होती है, यहां पर होती है संवहनीय धाराएं, है ना, और ये संवहनीय धाराएं जो होती हैं ये आपस में ये मूव करती हैं, है ना, क्योंकि गर्म है, रेडिएटिव हीट की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। कोई भी गर्म चीज होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 65 बार ये बात बता चुका हूं, गर्म चीज हमेशा ऊपर जाएगी, और ऊपर जाके ठंडी चीज क्या करेगी, उसका स्थान लेने के लिए नीचे आएगी। ये जो प्रोसेस है ये याद रखना, बहुत ही फंडामेंटल चीज है, अभी भी काम आएगी आपको ये, बाद में जब मैं आपका क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब भी मैं इसका बहुत इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि लगातार जो लावा है ना वो क्या कर रहा है, लगातार बाहर आने की कोशिश करता है। देखो यहां से इस पे फोर्स लगाता है, एक दिन क्या होगा पता है, एक दिन सक्सेसफुल भी हो जाएगा और इसको ये तोड़ देगा, और जैसे ही तोड़ेगा ना, जैसे इसको तोड़ेगा, जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, है ना, ये मोटिवेशन है, और जैसे ही ये तोड़ेगा इसे बाहर आएगा, और बाहर आकर ये कुछ इस प्रकार से क्या करेगा दोस्तों, आपका फैल जाएगा,
ठीक है, लाइक दिस. अभी जो डूम शेप बनी ना इसकी, इसको बोलते हैं हम क्या, आपका वोल्केनिक कोन, ज्वालामुखी कोन. ये जो माउंटेन बनता है ना इसको वोल्केनिक कोन भी कहते हैं हम, है ना, ज्वालामुखी पर्वत वोल्केनिक कोन एक ही बात है. यहां पर जो माउथ है देखो, जहां से ये लावा निकल रहा है, ये जो लावा निकल रहा है, दिस थिंग इज नोन एज क्रेटर. मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूं पूरी बात. क्रेटर, कई बार यहां पर जब लावा एक्सटिंक्ट हो जाता है ना तो इसमें पानी भर जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रेटर लेक. महाराष्ट्र की लोनार लेक इसी प्रकार की लेक है. ये जो बनता है हमारे पास, दिस वन, ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट नोन एज वोल्केनिक पाइप. इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों ज्वालामुखी नली. क्या कहा जाता है? दिस इज नथिंग बट नोन एज द वोल्केनिक पाइप, ज्वालामुखी नली कहा जाता है. अभी जो पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या कि लावे के फटके बाहर आने की, ठंडे होके जमने की, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वोल्केनोसिटी. क्या बोलते हैं? वोल्केनोसिटी. एक टर्म हम यूज करते हैं वोल्केनो, ज्वालामुखी. तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी इज नथिंग बट इट इज द मीडियम, दैट मीन्स दिस डक्ट, जिससे लावा, जो आपका अंदर का लावा होता है ना, वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है. दैट डक्ट इज नोन एज वोल्केनो. बात समझ में आ रही है? दो, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज वोल्केनोसिटी एंड द मीडियम बाय विच द लावा प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ विल इंटरैक्ट विद द आउटर एनवायरनमेंट इज नोन एज वोल्केनो. दो बातें आपको याद रहेगी. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया याद रहेगी. तो अब ये हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था सर क्या क्या चीजें बाहर आती है. बाहर आने में बता दिया था मैंने आपको सर, पहली बात जो बाहर आती है वो लावा, दूसरी चीज जो बाहर आती है वो आती है गैसेस, तीसरी जो आती है वो क्या आता है सर आपका, वाटर वेपर, जल वाष्प, और नंबर चार पे और पांच पे आती है तो राख, और दूसरा क्या है, डस्ट पार्टिकल. गैस बहुत सी बाहर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट थी SO2, चुरकुट गैस बहुत है, बाकी NO2, ठीक है. अब SO2 है, NO2 की वजह से क्या होता है आपको पता है, एसिडिक रेनफॉल है ना. SO2 प्लस H2O अगर मैं करता हूं तो क्या बनता है, H2SO4, और ऐसे ही NO2 अगर मैं H2O के साथ मिला दूं क्या बनता है आपका, HNO3. ये दोनों के दोनों हैं, दीज टू कॉज दी एसिडिक रेनफॉल. सो पता चल गया मुझे, अगर वोल्केनो आया और उसी टाइम पे बारिश होती है तो बारिश कैसी होगी, एसिडिक होगी, पहली बात. दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग जो है, अगर बड़ा वोल्केनो आता है तो क्या होता है, दिस सल्फर डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद द डस्ट पार्टिकल एंड दे विल फॉर्म द एरोसोल. बताया था ना, ये मैंने एनवायरमेंट में भी पढ़ाया हुआ है. ये बना लेंगे क्या, ये दोनों मिलके बनाएंगे दोस्तों एरोसोल. और ये एरोसोल क्या होता है, दीज आर क्लाउड लाइक पार्टिकल्स, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर. जैसे बादल बनता है ना, बादल से क्या होता है, सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पाती. ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि सूरज की किरणें पृथ्वी तक आती तो हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती. देखो एक बैलेंस होता है, समझ रहे हो बात, एक बैलेंस होता है. सूर्य की किरणें जितनी पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी पूरा नहीं रखती उसको. बहुत किसी ने, बहुत तगड़ा इंजीनियर था जिसने पृथ्वी का मॉडल बनाया है. कैसे बनाया, उसने क्या कहा, देखो अगर पृथ्वी पर सारी की सारी, मान के चलो ये अर्थ है, दिन में इसने हीट रिसीव किया, रात में क्या करता है, रेडिएट करता है. अगर रेडिएट नहीं करेगा तो क्या होगा, दिन में सपोज आज का टेम्परेचर हो जाए प्लस 40, रात में रेडिएट कर देता है, टेम्परेचर आ जाता है रात के अंदर 20 के आसपास, 22 के आसपास. अगर ना करे तो क्या हो, दिन के अंदर था प्लस 40, इसने रिटेन किया, कल फिर से टेम्परेचर बढ़ा, 10 और बढ़ जाएगा, 40 और 10 प्लस 50, परसों फिर 10 बढ़ जाएगा, 50 और 10 कितना हो गया, 50 और 10 फिर 60, 60 और 10 70, 80, ऐसे बढ़ता जाएगा, काम खत्म, 100 पे सब कुछ भाप बन जाएगा यार, पानी भाप बन जाएगा, जीवन वैसे ही नहीं बचेगा ना. तो इसीलिए आपका पृथ्वी के ऊपर जो है एक सिस्टम है, और सिस्टम कैसा बनाया गया कि जितना दिन में अर्थ पृथ्वी जो है ना हीट रिसीव करती है ना, उसको अर्थ रात में रेडिएट भी कर देती है, एनवायरनमेंट में वापस भी छोड़ देती है. समझ रहे हो बात को, तो उससे को हम बोलते हैं आपका रेडिएटिव हीट, जो पृथ्वी अपने से छोड़ती है. बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक क्लियर है? चलो अब एक और मैं आपको छोटी सी बात क्या बता रहा हूं आपका, कि पृथ्वी जो है रात में हीट रेडिएट करती है, दिन में तो रिसीव करती है, रात में रेडिएट करती है, इनको बोलते हैं रेडिएटिव हीट. इस रेडिएटिव हीट की कुछ मात्रा जो है वो ट्रैप कर ली जाती है किसके द्वारा, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, GHG, ये ग्रीन हाउस गैस होती है, इनकी दोस्ती होती है इनसे, इससे कहती है यार कहां जाओगे, अंदर ही रहो ना. ये ग्रीन हाउस गैस ही पृथ्वी से निकलने वाली लॉन्ग वेवलेंथ, लंबी वेवलेंथ की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और दोबारा से पृथ्वी पर रीरेडिएट कर देती है, ठीक है. और इसी वजह से पृथ्वी का लिवेबल क्लाइमेट बना हुआ है. नहीं तो सोचो, अगर सारा हीट रेडिएट कर दे, दिन में प्लस 40, रात में हो जाएगा माइनस 40, तब भी जिंदा तो हम तब भी नहीं रह पाएंगे, है ना. तो एक मेंटेन करना चाहिए, अब टेम्परेचर मेंटेन कब रहेगा, जब जितना दिन में रिसीव किया है कुछ अमाउंट रात में रेडिएट हो जाए, तो वो सारी चीज़ों के लिए जरूरी है. तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो इसको एब्जॉर्ब करती है और रीरेडिएट कर देती है, इसको बोलते हैं हम आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट. और जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से एक समस्या हो जाती है, दैट समस्या इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग.
तो अगर मैं बात करूं ग्लोबल वार्मिंग कब होगी भाई, जब पृथ्वी से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आएंगी, पृथ्वी की टकरा के वापस जाएंगी, फिर इसको एब्जॉर्ब करेगा। पहले तीन स्टेप होने हैं, सूरज की किरणें पहले धरती तक आनी चाहिए, फिर धरती से टकरा के वापस जानी चाहिए, फिर ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस है ये एब्जॉर्ब करेगी, फिर रेडिएट करेगी। लेकिन मैं कह दूं कि सूरज से पृथ्वी तक अब किरणें ही नहीं आ रही, कम आ रही है, तो कहां से वो किरणें पृथ्वी तक आएंगी, कहां से रेडिएट होंगी, कहां से एब्जॉर्ब करेगा और कहां से री रेडिएट होगी, तो अपने आप ना अमाउंट कम हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखना दोस्तों, दो चीजों पर प्रभाव बहुत ही आवश्यक है। जब भी बड़ा वोल्केनो फटता है तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग और एसिडिक रेनफॉल, एसिडिक रेन तो बढ़ जाता है लेकिन ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। अब देखो यार, बात करते हैं आज अपन एक नेक्स्ट बढ़िया टॉपिक की, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का वितरण। अब देखो मैं अगर ज्वालामुखी का वितरण आपको बताऊं ना समझाऊं, तो ज्वालामुखी बेसिकली ज्वालामुखी का भी और दूसरा मैं बताऊंगा आपको अर्थक्वेक, दोनों एक ही भाई हैं, चाचा ताऊ के भाई हैं भैया, ये चाचा ताऊ के लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्वालामुखी और अर्थक्वेक बच्चे हैं दोनों, ठीक है, पढ़ा देते हैं दोनों के एक साथ ही पढ़ते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी का सीधा सीधा संबंध होता है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। क्या, जहां पर भूकंप आते हैं ना वहीं पर क्या आते हैं आपके, वहीं पर अपने जो वोल्केनो है वो भी आते हैं। अच्छा, अब अपने पास तीन रीजन है, देखो पैसिफिक सरकम पैसिफिक बेल्ट, इसको क्या कहा जाता है, इसको अभी देखो, इसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, हिंदी में बोलते हैं पेरी प्रशांत पेटी, या शॉर्टकट में लिखा जाता है PRF, हिंदी में बोला जाता है पेरी प्रशांत पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट को हम आपका ट्रांस पैसिफिक, ट्रांस एशिया एशियन बेल्ट भी कहते हैं, अभी बताऊंगा मैं कहाँ है, मिड अटलांटिक रिज, इसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक मेखला, ठीक है, इसको मध्य अटलांटिक मेखला बोलते हैं, और इंट्रा प्लेट वोल्केनो की दो प्लेट के बीच में है ना, दो प्लेट के एक प्लेट के बीच के अंदर वोल्केनो आ जाए, जैसे अगर मैं बोलूं आपका अफ्रीकन प्लेट में, तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वैसे सारी चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, है ना, बस अभी मैं इनको क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, बस आपको ध्यान से देखना है। अच्छा, कुछ पहले हमारी बात भी हुई है इस बारे में कि जो वोल्केनो है, जो ज्वालामुखी है ना दोस्तों, वो ऐसे ही नहीं आता, देखो ज्वालामुखी का एक स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसे नहीं कहीं भी मुंह उठाया और कहीं पे भी आ गया, ज्वालामुखी हैज सम स्टैंडर्ड टू मेंटेन, वोल्केनो और जो है वो कहीं फिक्स रीजन में ही आता है, और वो फिक्स रीजन पता है कौन से है आपको, मैं बताता हूँ, देखो वो फिक्स रीजन ऐसे हैं सर, देखो पहला जो रीजन है, दुनिया के जो ज़्यादातर जो वोल्केनो आते हैं वो कहाँ पर आते हैं दोस्तों, आपका सबडक्शन जोन में आते हैं, ठीक है, और सबडक्शन जोन कितने हैं, देखो दुनिया के अगर मैं बात करूं, वोल्केनो भी इसी में शामिल है दोस्तों, और आपका अर्थक्वेक भी इसी में शामिल है, दोनों इसी में शामिल है, दुनिया के 60 तो मैं गलत लिख रहा हूं यार, दुनिया के अगर हम बात करें तो 90 से 95% 90-95% जो है आपके वोल्केनो और ये यहीं आते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास क्या दोस्तों, PRF पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, है ना। अब ये सबडक्शन जोन क्या होता है, यू ऑल नो दैट, पता है ना आपको, सबडक्शन जोन कुछ नहीं होता सर, ऐसा होता है कुछ सबडक्शन जोन के अंदर कि दो प्लेट हैं अलग अलग डेंसिटी की, वो कोलाइड करती है, दिस इज प्लेट नंबर P1, इसका डेंसिटी है ρ1, और ये मेरे पास है प्लेट नंबर P2, ठीक है, जिसका डेंसिटी है ρ2, मैंने बोला ρ1 इज नॉट इक्वल टू ρ2, दोनों का घनत्व तो जो है बराबर नहीं है, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, एक का घनत्व तो ज्यादा है दूसरे से, है ना, तो भारी क्या है जिसका घनत्व तो ज्यादा है, तो ρ1 यानी कि P1 भारी है P2 से, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है ना, प्लेट में मूवमेंट क्यों होता है मैंने बता रखा आपको, है ना, प्लेट टेक्टोनिक पूरी पड़ी हुई है, अब दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ जा रही है तो होगा क्या दोस्तों, कि जो प्लेट भाई भारी है ना, भगवान कसम वो तो अंदर चली जाएगी आपका, ठीक है, धस गई, और जो प्लेट हल्की है वो क्या करेगी आपका, वो ऊपर तैरेगी, तैरेगी ना, ठीक है, तो ये प्लेट आपका ऊपर तैर रही है, हो गया, सो एक प्लेट नीचे गई दूसरी प्लेट ऊपर आ गई, है ना, अब जो भारी प्लेट थी ये प्लेट डेंसर थी, डेंसर बोले तो भारी, भारी प्लेट थी तो ये क्या होगी आपका, देखो यहाँ पे सबडक्ट हो गई, सबडक्ट को बोलते हैं धसना, ये प्लेट हल्की थी इसलिए क्या कर रही है आपका फ्लोट, फ्लोट का मतलब तैरना, ये प्लेट कैसी, लाइटर प्लेट का मतलब क्या हुआ आपका, हल्की है, अब ये जो जोन बनता है ना जहां ये प्लेट का ही हो रहा है मिलाप ऊपर नीचे, जहां है ये समारोह स्थल जो है आपका, ठीक है, जहां ऊपर नीचे, इस जोन को हम नाम देते हैं क्या दोस्तों, दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन एज सबडक्शन जोन, दिस जोन है ना, दिस इज नोन एज सबडक्शन जोन,
बस इसी को हम बोलते हैं आपका सबडक्शन जोन, है ना। अब यहां सबडक्शन जोन में अब क्या होगा, देखो लगातार ये तो इधर चलता रहेगा क्योंकि मैंने बताया था ना प्लेट आर ऑलवेज इन मोशन, तो ये प्लेट लगातार धसती रहेगी। देखो ये जो प्लेट है ना आपकी जो नीचे है ये लगातार आपकी धसती रहेगी, है ना, फोर्स लगेगा धसेगी, ये धसेगी तो ये क्या बनेगा लावा। जब तक ये सबडक्शन जोन एक्टिव रहेगा, मतलब एक्टिव मतलब जब तक ये प्लेट आपस में आती रहेंगी तब तक ये प्लेट धसती रहेगी, लावा बनता रहेगा और ये प्लेट जो है ये ऊपर उठती रहेगी, और जब ये ऊपर उठेगी तो आपको पता है इससे क्या बनता है दोस्तों आपका माउंटेन, एंड सच माउंटेन आर नोन एज फोल्ड माउंटेन, इसको हम क्या बोलते हैं वलित पर्वत। तो याद रखना एक तो सबडक्शन जोन ठीक किसके नीचे होता है, वलित पर्वत के, है ना। अब लावा बन रहा है तो क्या ये वोल्केनो आता है, हाँ आता है, भूकंप लावा ज्वालामुखी दोनों इसी की वजह से आते हैं। तो सबडक्शन जोन में क्यों लावा निकलता है ये तो पता है, क्योंकि देखो ये लावा बन रहा है, प्लेट पिघल के लावा बना रही है, तो लावा अगर बन रहा है तो कहीं निकलेगा भी, है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि यहां पर क्यों आपका ज्वालामुखी आते हैं। अच्छा ये तो हमें पता है, देखो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि अपने को रीजन पता ही नहीं होता कि वोल्केनो आया क्यों है। सेकंड, ऐसा वोल्केनो ऐसा ज्वालामुखी जिसका आने का हमें रीजन ही ना पता हो उसको हम कहते हैं वोल्केनिक हॉट स्पॉट, हिंदी में ज्वालामुखी हॉट सपाट बोलते हैं इसको, ज्वालामुखी हॉट सपाट मतलब सपाट है, रीजन का ही नहीं पता अपने को। और ऐसे एग्जाम्पल अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो मेरे पास है ना एग्जाम्पल इसका कैमरून, और कैमरून याद करो मैंने बताया था कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। कैमरून एक ऐसा वोल्केनो है जो इरप्ट तो हो गया, बट वी डोंट नो द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो। सो वोल्केनो आर ऑफ टू टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो ज्वालामुखी दो जगह आएंगे, पहला आएगा सबडक्शन जोन में और दूसरा हमें उसका कारण ही नहीं पता, जिसका कारण नहीं पता उसको बोलेंगे वोल्केनिक हॉटस्पॉट और जिसका पता है उसको बोलेंगे सबडक्शन जोन। अब सबडक्शन जोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है आपका PRF, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये समझनी पड़ेगी। अब देखो वैसे समझोगे तो ये रहा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये रही, है ना, इसको बोलते हैं पेरी प्रशांत पेटी, लेकिन बात बनी नहीं यार, मजा नहीं आया सर इससे, है ना, नहीं आया ना, तो पहले मजा दिलवाते हैं आपको, मजे के बिना तो यार बात है ही नहीं, मजा नहीं आया तो मेरे लिए तो सजा हो जाएगी ना, है ना, मजा आना बहुत जरूरी है और इसीलिए मजा आपको दिलवाया जाएगा देखो इस डायग्राम के माध्यम से। मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ने वाला हूँ, एक बार जोर से नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, जोर से टाइप करोगे क्या, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सर हिंदी में पेरी प्रशांत पेटी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा मजा, कोई बात नहीं, आएगा, ध्यान दो। देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ना, इसमें से कौन सा नाम आप जानते हो बताओ मुझे, पैसिफिक जानते हो सर, एक नाम जानते हैं हम, क्या जानते हैं, पैसिफिक जानते हो ना, बाकी जगह तो आपने देखी हुई नहीं है, पैसिफिक जो है वो आप जानते हो, ठंड बहुत लग रही है, AC को स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है पेरी प्रशांत पेटी वो क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज है पैसिफिक, प्रशांत को आप जानते हो ना, बस इतना ही ध्यान रखो, प्रशांत को इस्तेमाल करके कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर दो। भाई मैंने क्या किया, सिंपल यहां पैसिफिक ओशन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, यहां मैं पैसिफिक ओशन बना रहा हूं कि जो प्रशांत महासागर है ना आपका वो कहां है, तो और मैं कुछ नहीं कर रहा यहां पे, जस्ट आई एम ड्रॉइंग द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर को मैं यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है।
ऐसे तो कभी भी नहीं बनेगा यार, बहुत बड़ा हो गया है तो। ठीक है, सो दिस इज योर पैसिफिक ओशन भाई, यही है ना प्रशांत महासागर, ठीक है, कुछ ऐसा ही है प्रशांत महासागर। बाकी यहां से इसको मैं हटा देता हूं, दिस इज पैसिफिक ओशन, ये हो गया भाई प्रशांत महासागर। अब देखो ध्यान से भाई, पैसिफिक ओशन तो हमने देख लिया, पैसिफिक ओशन को ही तो हम स्टडी कर रहे थे। हमने क्या पढ़ना है, हमने यहां पे पढ़ना है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब पैसिफिक क्या होता है, पैसिफिक हमने देख लिया भाई, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये किसका एग्जांपल है दोस्तों, मैंने अभी बताया था पीछे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किसका बताओ मुझे, जल्दी बताओ, सबडक्शन जोन। समझना देखो क्या है आपको, ये एग्जांपल है सर किसका, सबडक्शन जोन का। सबडक्शन जोन क्या होता है, सबडक्शन जोन वो जोन होता है जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। अभी तो पढ़ाया था आपको भाई, ऐसा क्षेत्र जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, तो वहां क्या होता है, ये जो जोन बनता है, बस इसी जोन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दिस जोन इज नथिंग बट नोन एज सबडक्शन जोन। ये बात क्लियर है या नहीं है बताओ, इसको हम सबडक्शन जोन बोलते हैं ना, है ना। नीचे ये पार्ट जो है ये लावा बनाएगा, और ऊपर इसके ठीक ये जो पार्ट है ये माउंटेन बनाएगा। कौन सा माउंटेन बनाएगा, फोल्ड माउंटेन। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये पैसिफिक है, चलो ठीक है, ये पैसिफिक के आसपास एक रिंग बनेगी। पैसिफिक से पता चला भाई, पैसिफिक प्रशांत महासागर, रिंग से पता चला कि इसके चारों तरफ कुछ बनने वाला है। ऑफ फायर, फायर का मतलब यहां से आग निकलेगी, है ना, क्या निकलेगी दोस्तों, यहां से आग, मतलब आग निकलता हुआ कुछ यहां से बनने वाला है। बट ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, सबडक्शन जोन का। सबडक्शन जोन मतलब यहां कुछ ऐसा हो रहा होगा ना कि दो प्लेट आपस में टकरा रही होंगी, एक प्लेट नीचे धस रही होगी, दूसरी प्लेट ऊपर उठ रही होगी। तो सबसे पहले तो यहां मैं प्लेट के नाम जानना चाहूंगा, आप मुझे सबके सब यहां पर जो स्थित प्लेट्स है ना उनके नाम बताओगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ आपको। ये प्लेट कौन सी प्लेट होती है दोस्तों, दिस प्लेट इज नथिंग बट दिस इज यूरेशियन प्लेट। याद हो है नहीं आपको बताओ, इस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट, आई होप याद होगा आपको सारी की सारी प्लेट्स का नाम, दिस प्लेट इज नथिंग बट नोन एज द यूरेशियन प्लेट। इसके बाद में ये प्लेट कौन सी है, इस प्लेट का नाम है नॉर्थ अमेरिकन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उत्तरी अमेरिका की प्लेट, याद है। ये प्लेट, इसका नाम क्या है, दिस प्लेट इज नथिंग बट नोन एज साउथ अमेरिकन, दक्षिण अमेरिका की प्लेट। ये प्लेट कौन सी है दोस्तों, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, तो नाम हमने क्या दिया था इसको, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट या इंडियन प्लेट इसको हम कह देंगे, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये तो पता होगा प्लेट आपको,
ये जो प्लेट है, दिस प्लेट इज नथिंग बट नोन एज पैसिफिक प्लेट. तो प्लेट मुझे सारी पता चल गई. सबडक्शन जोन में होता है प्लेटों का टकराना, भारी धसती है, हल्की ऊपर उठती है. चलिए यहां पर बात करते हैं कौन कौन सी प्लेट धस रही होगी, कौन सी उठ रही होगी, क्या हो रहा होगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम. यहां पर देखो ये पैसिफिक प्लेट जो है यहां पर, ये आपका टकराती है किससे पता है आपको, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराती है. आप मुझे बताओगे कौन सी प्लेट धसेगी यहां पर, भाई जो प्लेट भारी होगी. तो कौन सी प्लेट भारी है, इसमें मैंने बताया था पैसिफिक प्लेट जो है वो प्लेट क्या होती है आपका, भारी, डेंसर. क्यों? क्योंकि जो समुद्र वाली प्लेट है वो भारी होती है. तो ये दो प्लेट आपस में टकराती है लाइक दिस, है ना, ये प्लेट आपका नीचे धस जाएगी, ये प्लेट ऊपर उड़ जाएगी, यही तो होगा यहां पे. ऐसे ही सिमिलरली यहां पर ये जो है ये प्लेट दोनों टकराएगी, पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन, भाई पैसिफिक फिर से धसेगी, ये फिर से ऊपर उठेगी. अगर इन प्लेटों का कोलिजन होता है तो यही तो होगा ना. तो यहां पर आप देखोगे तो मेरे पास कंटिन्यूअसली यहां पर एक क्या बन गया आपका, सबडक्शन जोन बन गया, ठीक है, जिसको मैं ऐसे डॉट से दिखा रहा हूं, स्टार मार्क से दिखा रहा हूं यहां पर. और ये सबडक्शन जोन ऊपर से शुरू होकर ना ऐसे पूरा नीचे तक फैला हुआ है पूरा में, ठीक है. और आपको पता है, ठीक है, ये सबडक्शन जोन जहां बनता है ठीक इसके ऊपर क्या बनता है, माउंटेन, पता है ना. सबडक्शन जोन प्लेट जहां धसती है उसके ठीक ऊपर क्या बनता है, माउंटेन. तो क्या यहां पर माउंटेन बने हुए हैं, बताओ आप मुझे, क्या बने हुए हैं माउंटेन? हाँ सर बने हुए हैं. यहां पर कौन सा माउंटेन है? सर यहां पर है रॉकी चाचा, बनता है वो रॉकी चाचा यहां पे. और यहां कौन सा माउंटेन बनता है? सर यहां पर बनता है एंडीज दादा. तो रॉकी और एंडीज माउंटेन, ठीक है, यहां पे बन गए. अब इसके बाद में ये टकराव यहीं तक खत्म थोड़ी ना होता है, ये इधर देखो. अब इधर देखोगे तो ये यूरेशियन प्लेट किससे टकराती है? पैसिफिक से. अगेन पैसिफिक प्लेट फिर से धसेगी, ये प्लेट फिर से ऊपर उड़ जाएगी, है ना. तो ये हो गया. अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराएगी तो कुछ इस प्रकार से. अब धसेगा कौन सा? देखो सर, चाहे चाकू पड़े खरबूजे पे, चाहे खरबूजा पड़े चाकू पे, कटना बेचारे खरबूजे को ही है. तो यहां पर भी धसेगी कौन सी प्लेट? पैसिफिक प्लेट. तो पैसिफिक प्लेट जो होती है वो क्या कर जाएगी आपका, सबडक्ट करेगी, इंडियन प्लेट जो है ये ऊपर उठेगी, है ना. तो जो सबडक्शन जोन यहां तक था वो सबडक्शन जोन आपका कहां तक फैला होता है, वो इधर से ऐसे होते हुए अलास्का, अलास्का है ये, अलास्का से होते हुए रशिया, रशिया के बाद में यहां पर आइलैंड कंट्री होता है आपका जापान, सब जानते हो, जापान के बाद में फिलीपींस, और ऐसे होता हुआ था यहां पर एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड. तो ऐसे फैला हुआ है ना, ऐसे फैला हुआ है कहां कहां पर, किस किस जगह से, मैंने बता दिया आपको. यहां पर आइलैंड कंट्री है छोटा सा जिसका नाम है जापान, यहां पर अपना एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड. सो ऐसे होता होता पूरे यहां तक फैला हुआ है, ठीक है. अगर आप चेक करना चाहो, इसको देखना चाहो, तो ये कुछ इस प्रकार से. तो अगर मैं देखूं यार ये पूरा, अगर मैं इसको मिला दूं ना, अगर मैं इस पूरे को मिला दूं तो रफली, रफली, ठीक है, रफली मेरे को ये क्या दे रहा है आपका, देखो रफली अगर आप इसको मिलाओगे ना, सो इट विल लुक लाइक अ सर्कल. दिख रहा है आपको, एक रिंग बन रही है ना, रफली एक रिंग बन रही है कि नहीं बन रही? हाँ, एक रिंग बन रही है. और इस रिंग के अंदर लगातार ज्वालामुखी और भूकंप जो है वो देखने को मिलते हैं. क्यों मिलेंगे बताओ मुझे? क्योंकि ये किसका भाग है? ये सबडक्शन जोन का पार्ट है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पर ज्वालामुखी और भूकंप देखने को मिलते हैं आपको, क्यों मिलते हैं, तो क्या बोलोगे? अच्छा आप बताओ, जब भी मैं पूछता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं, नाम आता है सर जापान का. क्यों भाई? जापान ने गधी का हाथ लगा रखा है क्या भाई? अब बताओ मुझे जापान का नाम क्यों आता है? वाई जापान जो है वहां पर, देखो इधर कंट्री कौन सा है, दिस इज नथिंग बट जापान, है ना, जापान है ये तो जानते हो आप. यहां पर कौन है आपका? दिस इज रशिया, है ना. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अलास्का, है ना. तो इधर अलास्का, फिर ये जो है ये क्या है आपका? न्यूजीलैंड. और यहां पर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री और है जिसका नाम क्या है? फिलीपींस, ठीक है. तो ये यहां पर मैं इसको भी लिख दूं क्या? तो चलो यहां पर इसको भी लिख देते हैं, फिलीपींस. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ मुझे क्या कारण है कि जापान के अंदर में, ठीक है, क्या कारण है कि इतने सारे यहां पर भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो देखने को मिलते हैं, इस एरिया में भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा देखने को मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना. ये बात तो ऑब्वियस है, श्योर है मिलेंगे सर. क्यों मिलेंगे भाई? क्यों आते हैं इस रीजन में भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा? तो आप बताओगे सर बिकॉज इट इज अ सबडक्शन जोन. ये सबडक्शन जोन है मतलब यहां दो प्लेट आपस में कोलाइड कर रही है ना, ऐसे कोलाइड कर रही है दो प्लेट. देखो दो प्लेट टकरा रही है, भारी प्लेट नीचे धस रही है, हल्की प्लेट ऊपर जा रही है. और ये जो जोन बनता है ना ऐसे टकराने से, दिस जोन इज गोइंग टू बी नोन एज द सबडक्शन जोन.
और ये सबडक्शन जोन के अंदर आता है। तो इसीलिए जापान जो है यहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप सुनामी देखने को मिलते हैं। हम कहते भी हैं जापान के अंदर कि सबसे ज्यादा भूकंप और सुनामी आते हैं। क्यों भाई? आप ऐसे इसी वजह से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं जापान ने कुछ पाप कर रखा है भाई। नहीं, मैंने बताया था फिलीपींस को हम बोलते हैं लैंड ऑफ एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी का देश। व्हाई? बिकॉज इन फिलीपींस देयर आर मेनी एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो है। कहां पर? फिलीपींस के अंदर। क्यों कहते हैं आप बताओ? फिलीपींस में इतने सारे एक्टिव वोल्केनो क्यों हैं? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ PRF, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पेरी प्रशांत पेटी का हिस्सा है। और अगर मैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करता हूं तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ना सर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सबडक्शन जोन। ये किसका उदाहरण है? सबडक्शन जोन का एग्जांपल है। देखो, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सबडक्शन जोन। सो दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनता है। तो इसीलिए आप भूकंप और ज्वालामुखी क्या होते हैं? आपके ज्यादा आते हैं। ये बात क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये क्या है, तो आप बोलोगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एन एग्जांपल ऑफ सबडक्शन जोन, कि पेरी प्रशांत पेटी एक सबडक्शन जोन का उदाहरण है जो दक्षिण अमेरिका से शुरू होता है, हो गया ना, दक्षिण अमेरिका से शुरू होता है, उत्तर अमेरिका से होता हुआ अलास्का, रशिया, जापान और फिलीपींस तक फैला, फिलीपींस से होते हुए न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है, जो प्रशांत महासागर को चारों ओर से एक छल्ले नुमा आकृति में घेरे हुए है। और इसी आकृति के अंदर जो अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं वही होती है। अगर मैं बताऊं आपको ना, एक मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, एक एस्टीमेट दे रहा हूं मैं, और इस एस्टीमेट में क्या है दोस्तों, पूरी दुनिया के 70% जो अर्थक्वेक और भूकंप होते हैं ना, वो इसी जोन में आते हैं। कितने? 70% ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक जो है, दे कम्स इन दिस जोन, एंड दिस जोन इज नथिंग बट नोन एज द क्या, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये इधर तक नहीं है, ये इधर ऐसे इंडिया में ऐसे फैला हुआ है, जिसको हम दूसरा बोलते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोलते हैं उसको, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहां पर है, दिस इज नोन एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कितने परसेंट वोल्केनो? 70% ऑफ द वोल्केनो और अर्थक्वेक दुनिया के इसी जोन में पाए जाते हैं। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है सभी को? सर, स्पेसिफिक इन्हीं दो जगहों पर ज्यादा क्यों होते हैं कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज? बताया तो शिवम, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द पैसिफिक, दे आर पार्ट ऑफ द सबडक्शन जोन। वहां प्लेट का वो बाउंड्री है बिल्कुल, जहां वो सबडक्ट कर रहे हैं, सो वो बाउंड्री कमजोर है, तो वहां ज्यादा होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब जैसे इंसान तो इंसान है ना, बट ये चाइना में ही कोरोना वायरस क्यों फैला हुआ है? क्योंकि वहां वायरस का आउटब्रेक हो रखा है ना, वो वीक जोन दिख रहा है अभी, वहां वायरस स्ट्रांग है काफी। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, चलो ठीक है, फिर भी मैं माफ कर रहा हूं, आप शेयर कर नहीं रहे हो, मुझे पता है नाराजगी आपकी कोई ना कोई, तो नाराजगी आप दूर करो यार, जल्दी से सेशन को शेयर करो, लाइक किया करो। और ये कौन है ये तीन जो लोग डिसलाइक करते? क्या चाहिए भैया तुम्हें? मेरी जान चाहिए? जान निकाल के रख दूं मैं, और है ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है। सो दिस इज द सबडक्शन जोन और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ऐसे आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अगर आप मैप से देखना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ से शुरू होती है और ऐसे करके यहाँ तक, ये यूं 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 करके यहाँ तक फैली हुई है। अब ये इतना ही नहीं दोस्तों, ये इंडिया में भी जाती है, देखो यहाँ से करके ना ऐसे भी फैली हुई है। अब ये वाला पार्ट तो चलो अपन ने पढ़ लिया है ना, अब यहाँ पर भी तो प्लेट का कोलिजन हो रहा है। ये आपका कौन सी प्लेट है? ये यूरेशियन प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेट भी तो टकरा रही है आपस में, और इन प्लेट के कोलिजन की वजह से भी क्या हो रहा है, आपका हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो जिस प्रकार से ये जोन है, फिर इसी प्रकार से ये है, इसको बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, इसके अंदर वोल्केनो बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ भूकंप आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि उसमें ज्वालामुखी नहीं आते, इसलिए मैं पहले बताऊंगा आपको मिड अटलांटिक ओशियोनिक रिज। ये रही सेकेंड, मिड अटलांटिक ओशियोनिक रिज क्या है दोस्तों? ये इंट्रा प्लेट डाइवर्जन है। देखो यहां पर ये प्लेट है ना, आपने अभी देखा था कि ये प्लेट टकराती इधर जाके पैसिफिक से, ये प्लेट टकराती इधर जाके किससे? पैसिफिक प्लेट से टकराती है, दिखाई नहीं दे रहा आपको, कोई बात नहीं, रेड कर देते हैं। देखो ये प्लेट जो है वो टकराती है किससे? आपका पैसिफिक प्लेट से इधर, और ये प्लेट भी किससे टकराती है? पैसिफिक से। दोनों अभी दिखाया था ना मैंने, जस्ट पीछे अभी तो देखा था हमने कि कौन सी प्लेट किससे टकरा रही है, देखा था यहाँ पे। तो अब देखो यहां पर ये प्लेट मुझसे टकरा रही, तो इधर जा रहा है, मूवमेंट इधर हो रहा है, और इसी प्रकार से इनका भी हल्का सा रिलेटिव मूवमेंट इस वाली प्लेट का इधर है,
ये वाली प्लेट का भी हल्का सिधर है, तो ये प्लेट जो बीच में थी, अब सोचो ऐसे अगर ये खींचेगा, है ना, कोई प्लेट है मेरे पास ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो क्या होगा, अगर इस पे हम टेंशनल फोर्स लगाएं, याद करो वही बात, बीच में क्या आ जाएगी दोस्तों, दरार आ जाएगी, है ना। और दरार जैसे ही आएगी, दरार से क्या बोलते हैं हम आपका फॉल्ट, दरार जैसे ही फॉल्ट आएगी, अंदर लावा तैयार बैठा है भैया निकलने के लिए बाहर, तो जैसे ही फॉल्ट आएगी, दरार आएगी, तो ये यहां से अलग हुआ, और जैसे ही अलग हुआ इस जोन से लावा क्या किया उसने, वो बैठा था तैयार अंदर से, वो बाहर आ गया, है ना। तो इस जोन को क्या बोलते हैं हम आपका मिड अटलांटिक ओशियोनिक रिज, ठीक है। अच्छे से इसको समझाता हूं, देखो कला का हम करेंगे इसमें बेहतरीन प्रदर्शन और उसके हिसाब से इसको देखेंगे। वैसे आपने देख लिया, समझदार हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो, आप सबके सब परमात्मा की देन हो, लेकिन फिर भी एक बार थोड़े अच्छे तरीके से अपन डायग्राम मेथड से करेंगे। ये मैं डायग्राम मेथड से क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जरूरी है यार, जब आप पेपर में लिखने जाओगे वहाँ पर यही आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ पर पीडीएफ काम नहीं चलेगी। एंड देखो बहुत कुछ अच्छे लोग हैं, एक बच्चे ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है, उसने नोट्स बनाया, बहुत ज़बरदस्त नोट्स वो बना रहा है, बहुत अच्छे यार, कीप इट अप, है ना। बाकी लोगों से भी मैं कहता हूँ कि अपने नोट्स जो है ना वो बनाओ, सर रिप्लाई कर दो इंग्लिश ट्रिक, भाई रिप्लाई करूँगा मैं, फिर पढ़ना पड़ेगा मेरे को यार ये, अब मैं कैसे रिप्लाई करूँ, कितनी बार मैंने बताया हुआ है क्लास में मत पूछा करो कोई भी सवाल, अब मैं ये ढूंढू इंग्लिश ट्रिक ने क्या लिखा हुआ है, आप खुद भी ढूंढो आपका सवाल कहाँ पे है, आपको मिलेगा एक घंटे मिलेगा, रुक जा देखता हूँ कहाँ पे है यार, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, ये सवाल पूछ रहा है, कह रहे सर रिप्लाई कर दो इसका, हद है यार, क्या करेगा भाई कॉन्टैक्ट नंबर का, सुमित राठी 03 वहाँ करना कॉन्टैक्ट, वहाँ मांगना, फिर देता हूँ इंस्टाग्राम पे, है ना। क्या यार पता नहीं किन किन बातों में लगे रहते हो आप लोग भी, और ये पूछ रहे हो कि सर मैं पता नहीं मांगा, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है यार, क्या करोगे बता, नंबर का मेरा है, सवाल पूछना है यहीं पूछो, मेल करो, मेल आईडी मैंने दी हुई है ना, बाकी यहां किसी को मेरा रिश्ता करवाना है तो जरूर नंबर दे दूंगा मैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं मिड अटलांटिक मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, समझा करो यार, कम समय होता है आप लोगों के पास में, और फिर उसमें मैं ये चीज करने लग जाऊं, पेपर आ रखा है सर पे यार, थोड़ा सीरियस हो, बाकी बच्चों के लिए मुझे देखना पड़ता है ना, है ना। जान ना हो तब सर भूकंप और ज्वालामुखी नहीं है, अगर सबडक्शन जोन ना हो, हाँ सबडक्शन जोन ना हो तो मेन रीजन है वो उसका, बाकी ऐसा नहीं कि सबडक्शन जोन नहीं होगा तो नहीं आएगा, कई बार और भी चीजें होती है, ठीक है। हम अभी देखेंगे जिसको हमने वोल्केनिक हॉटस्पॉट बोला, वोल्केनिक हॉटस्पॉट भी तो एक ऐसी चीज है ना, वहां से भी तो लावा निकल रहा है ना, आपको कारण नहीं पता बट स्टिल लावा तो बाहर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबडक्शन जोन की वजह से ये सब हो रहा है, सबडक्शन जोन नहीं होगा लावा तो तब भी आएगा, देखो आना है उसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा मैं बात कर रहा हूं, अब इसको हम बोल रहे हैं क्या, मिड अटलांटिक ओशियोनिक बेल्ट। अब ये मिड अटलांटिक ओशियोनिक बेल्ट क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं दोस्तों, जानने की करते हैं कोशिश। ठीक है, ये रहा आपके पास अटलांटिक ओशियन, है ना, दिस इज नोन एज अटलांटिक ओशियन, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर, यहाँ पे है। पहले आपको डायग्राम जो है वो बहुत अच्छे से यार दोस्तों आने चाहिए, तो ये आपको ना अच्छे नंबर दिलाएंगे मेंस के अंदर, जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो दे विल फैच यू, दे कैन फैच यू गुड मार्क्स फॉर यू। सो ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं मिड अटलांटिक ओशियोनिक रिज, ठीक है, मध्य अटलांटिक समुद्री मेखला, रिज का मतलब हिंदी में होता है मेखला, मैंने बताया रिज का मतलब कुछ नहीं होता, दिस इज नथिंग बट द माउंटेन बिलो ओशियन,
अगर समुद्र के नीचे अगर पर्वत बना हो उसको बोलते हैं रिज, हिंदी में बोलते हैं मेखला, और समुद्र के नीचे अगर वो बनी हो वैली बनी हो, तो ये तो था ये, अगर वैली होती सपोज समुद्र के नीचे अगर माउंटेन वैली बिलो द सी हो, वैली बिलो द ओशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम फिर आपका, उसको हम फिर बोलते हैं रिज, सॉरी ट्रिंच, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रिंच, टी आर ई एन सी एच, ट्रिंच, गर्त, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, गर्त, ठीक है, जैसे मरियाना ट्रिंच है, वो बताऊंगा मैं उसके बारे में भी, जब टाइम आएगा उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, अभी चिंता मत लेना उसकी, है ना, कई लोगों को चिंता हो जाएगी सर मरियाना ट्रिंच, हाँ दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट होता है मरियाना ट्रिंच जो है, सबसे गहरा पॉइंट है वर्ल्ड का, अब कहाँ पर है ये, प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन के अंदर है, है ना, और कैसे बनती है वो सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपका, वही प्लेट का टकराना है, जहाँ प्लेट दो टकराएगी, एक प्लेट नीचे धसती है और एक प्लेट ऊपर उठती है, जो नीचे धसती है ना उस साइड में क्या बनती है, गर्त बनता है, देखो जैसे अभी आपने देखा ना, चलो देखा बता भी देते हैं हम आपका, देख ही रखा आपने, जब दो प्लेट टकराएगी है ना, दो अलग अलग प्लेट टकरा रही है, सपोज ये भारी प्लेट जो है ये टकरा रही है और ये हल्की, भारी होगी समुद्र वाली और ये किसकी होगी आपकी कॉन्टिनेंट, ये ओशियनिक प्लेट, दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो जब ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो जो ओशियनिक प्लेट है वो सबडक्ट करती है, तो इसी के साइड में देखो ये जो गहरा, ये जो पॉइंट बनता हुआ देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो पॉइंट बनता है ना, जो गहराई बनती है इधर, बस इसी को बोलते हैं गर्त, यहाँ खाड़ी बन जाती है कई बार, वैली बन जाती है, जिसको बोलता है ट्रिंच, मरियाना ट्रिंच ऐसे ही बनी है, तो जितनी भी मरियाना ट्रिंच है ना वो समुद्र के साइड, वो आपका बीच में नहीं होती, आप सोचोगे भाई सबसे गहरा, दुनिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वो कहां पर होगा, लोवेस्ट पॉइंट होगा समुद्र के बीच में, नहीं नहीं वो कोस्टल रीजन में होता है, शोर के पास में होता है, है ना, जहां पर कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट आपस में कोलाइड करती है वहां पर वो रीजन जो है वो पाया जाता है, ठीक है, चलो आगे बढ़े दोस्तों, तो अभी मैं बात कर रहा हूं आपका किस के बारे में, दिस इज अबाउट द मिड अटलांटिक ओशनिक बेल्ट, ये रहा, है ना, अब यहां पर हमने अभी अभी चर्चा की थी, बिकॉज यहां पर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, देखो इधर और इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और इधर भी, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन सी टेक्टोनिक होती है, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक, और इस डाइवर्जेंट टेक्टोनिक की वजह से क्या होगा दोस्तों, यहां पर इस डाइवर्जेंट टेक्टोनिक की वजह से इन दिस लाइक इस रूप में यहां पर फॉल्ट आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब क्या है, दरार, है ना, यहां पर क्या बन जाती है आपका दोस्तों, फॉल्ट, फॉल्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं दरार, यहां फॉल्ट डेवलप हो जाती है, दरार डेवलप हो जाती है, और बस उस दरार के अंदर आप देखो डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है ना उसको शो करने के लिए हमारे पास साइन होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, उसको कुछ इस प्रकार से हम शो करते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है उसको अपन इस प्रकार से क्या करते हैं, शो करते हैं, सो दिस इज द मैथड टू शो द डाइवर्जेंट बाउंड्री, यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री है, अब ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये मैप बनाने पड़ते हैं आपको एग्जाम में, इसीलिए बता रहा हूँ, आप सोचो ये ऐसे खींचेगा, ये प्लेट ऐसे खींचेगी तो अंदर लावा बैठा पड़ा है, आपको तो पता ही है यार लावा, अगर ये क्रस्ट है, ठीक है, ये अपने पास क्रस्ट है तो नीचे से तो लावा कंटिन्यू तैयारी कर ही रहा है ना बाहर आने की, कैसे किस प्रकार से तैयारी कर रहा है देख लेते हैं दोबारा से एक बार, सपोज दिस इज क्रस्ट है ना, और ये नीचे मेरे पास भरा पड़ा है लावा स्टोर्ड, ये लावा स्टोर्ड है, 400 बार ये बात बता चुका हूं फिर देख लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 500 बार बताने को तैयार हूं लेकिन समझ में भी आनी चाहिए आपको, ये ऊपर चल रहा है ऐसे ऊपर जाएगा लावा, ये तो पता है ना सभी को, तो इसकी वजह से क्या होगा यहां फोर्स लगेगा है ना, और ये इधर और ये इधर, अब जैसे ये तोड़ देगा, ये तो तोड़ देगा इसको, लेकिन ये ऐसे खींचेगा ना, तो जैसे ये तोड़ेगा बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, माउंटेन, वही हो रहा है, ये महासागर की प्लेट आपस में दोनों साइड से, ये प्लेट जो है दोनों साइड से इधर खिसक रही है, इधर और इधर इस पे फोर्स लग रहा है, तो जिसकी वजह से अंदर का लावा बाहर निकल आता है और यहाँ पर माउंटेन बन जाता है, और इस माउंटेन को हम क्या बोलते हैं, मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज, अब क्योंकि माउंटेन ये खींच रहा है लावा बाहर निकल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम वोल्केनो भी तो बोलते हैं, ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी की वजह से भूकंप भी आते हैं, सो दैट्स व्हाई ये भी एक रीजन है भूकंप और ज्वालामुखी का, नाम क्या है दोस्तों इसका, मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज, क्योंकि अटलांटिक के ठीक बीच में बनता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज द मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज, यहां पर भी देख सकते हो आप, ठीक है, सो मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज कैसी बाउंड्री है दोस्तों, याद रखना, ऑलवेज याद रखना, इट इज अ डाइवर्जेंट बाउंड्री,
कैसी बाउंड्री है ये? डाइवर्जेंट बाउंड्री। अच्छा डाइवर्जेंट बाउंड्री है तो बताओ यार नई क्रस्ट बन रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है? बन रही है, इसीलिए डाइवर्जेंट तो है ही है। साथ साथ आप इसको क्या बोलोगे? हम बोलेंगे इसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलेंगे। और यहाँ कंस्ट्रक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यू क्रस्ट बन रही है। जो न्यू क्रस्ट यहाँ बनती है, ठीक है, अब देखो ये देखा हमने, अब ये प्लेट इधर जा रही थी, इधर जाती है और ये भी इधर जाती है, तो ये दोनों जो है और यहाँ से पैसिफिक आती है आपका, वो धसती है इधर, तो यहाँ प्लेट का निर्माण होता है। और अगर मैं इसमें बात करूँ, इन दिस केस, क्योंकि ये प्लेट कैसी है, इन दिस केस अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो ये जो है अपनी, ये कैसी प्लेट है, दिस इज कन्वर्जेंट टेक्टोनिक। ये कैसी है आपका, ये जो है दिस इन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट टेक्टोनिक, और कन्वर्जेंट है तो देखो यहाँ क्रस्ट नष्ट हो रही है तभी तो लावा निकल रहा है, सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं आपका, ये सब बातें बताई हुई है मैंने, डिस्ट्रक्टिव टेक्टोनिक। बस अब सारी चीजों को ना मैं एक साथ कनेक्ट करते जा रहा हूँ, और आप लोगों को अब दिक्कत भी हो जाएगी कईयों को, क्योंकि सर ये एक साथ सारी चीजें आप कहां से ला रहे हो। सो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव टेक्टोनिक, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, सॉरी नॉट कंस्ट्रक्टिव, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक बोलते हैं, और साथ साथ डिस्ट्रक्टिव भी बाउंड्री इसको बोला जाता है, बिकॉज यहां पर प्लेट के टकराने, एक प्लेट धसती है तो वो पिघल जाती है और उससे क्या बन जाता है आपका, लावा। ठीक है, एक हो गया, दो तीन दोनों हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दिस इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रा प्लेट डाइवर्जन। देखो ये प्लेट के अंदर ही कुछ हो रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे ना, जस्ट इसके नीचे एक मेंटल प्लूम है, लावा ना बाहर आने की कोशिश कर रहा है जस्ट इसके नीचे। अब ये कोई अलग चीज नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप पूछोगे सर यहां लावा क्यों बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ये अपना वही सिंपल फंडा है जो अपन ने बात किया था, डिस्कस किया था, वो क्या था, सिंपल वही चीज, भाई ये लावा भरा पड़ा है अंदर, सेम वही बात रहेगी। ये प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम की जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सको, जो लोग स्पेशली ऑप्शनल, जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्ट किया है, जिसने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया है ना, वो डायग्राम की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। ये मैं दिखा तो रहा हूँ यहाँ पे, बट वहाँ एग्जाम में ना ये आपका खुद से बनाना पड़ेगा। जितने डायग्राम बनाओगे, एक डायग्राम जो है ना वो 1000 वर्ड के बराबर होता है, इस याद रखना इस बात को। तो आपको ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहना है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। अब यहाँ से लावा ऊपर आ रहा है, अब ये रीज़न कुछ भी हो सकता है भैया, बट लावा ऊपर आ रहा है और इस लावे के ऊपर आने की वजह से नीचे से लगातार फोर्स लग रहा है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, लगातार यहाँ फोर्स है इस एरिया के अंदर, ये देख रहे हो आप, इस जोन के अंदर लगातार फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, यहां अगर हम देखें इस जोन के अंदर लगातार जो है फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की वजह से ये इधर और ये जो है वो इधर, ठीक है, लाइक दिस ऐसे हो रहा है, फोर्स लग रहा है। अब फोर्स की वजह से नीचे से लावा निकलना चाह रहा है, अब लावा जब निकलता है तो आपको बताया भी हुआ है ना मैंने, ये आपस में क्या करेगा, इसको भाई बाइफरकेट करेगा, भाई इसको क्या करेगा, बाइफरकेट करेगा, ये इधर घूम जाएगा, ये इधर, और लावा अंदर से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो वही सेम प्रोसेस तो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, क्या हो रहा है कि यहां पर लावा जो है इसके निकलने की वजह से ये जो हिस्सा है यहां से लावा बाहर निकलना चाह रहा है, और उसी की वजह से यहां पर फोर्स लग रहा है ना, इसको सेपरेट कर, कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा ना ये हिस्सा टूट जाएगा। ऐसे इधर भी बना था, जहां पर रेड सी बना हुआ है वहां पर भी ऐसी चीज, इसको बोलते हैं इंट्रा प्लेट, है ना, कि प्लेट में ही कुछ कुछ हो रहा है और उसकी वजह से लावा बाहर निकल रहा है, तो दिस इज नोन एज द इंट्रा प्लेट, इसको हम इंट्रा प्लेट बोलते हैं। ठीक है, लास्ट जो चीज है वो कहां पर है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं एक बार, आखिरी है जो इंडिया के पास में है दोस्तों, इंडिया में, बट उसमें मैंने बताया ना क्योंकि उसमें वोल्केनो नहीं आता तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते। वोल्केनो क्यों नहीं आता, अगर मैं इंडियन प्लेट्स की बात करूं, ठीक है, ये है यहां पर भी दो प्लेट सी आपकी, जानते हो ना इनको भाई, इनसे तो गहरा रिश्ता है, इसको तो भूल ही नहीं सकते आप, इंडियन प्लेट्स है यार, है ना। अब यहां पर हमने आपको बताया था कि यहां पर दो अलग अलग प्लेट्स हैं, ये बाउंड्री है, दो अलग अलग प्लेट है, कौन सी, ये जो प्लेट थी एक अपनी ऊपर, इसको हमने नाम दिया था क्या,
यूरेशियन प्लेट, सारा प्लेट का खेल है, जिसको समझ में आया होगा मजा आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा नहीं आ रहा होगा। और ये जो प्लेट थी अपनी दूसरी, इसका नाम क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, बताई थी मैंने, दो प्लेट थी अपने पास सर, एक तो थी यहां पर यूरेशियन और यहां पर कौन सी थी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, दो प्लेट थी। अब ये भी तो मूवमेंट करती है, आपको पता है भारत वाली प्लेट जो है वो ऊपर की ओर खिसक रही है, ये अपनी जगह पे स्टेग्नेंट है बट ये खिसक रही है। अब इस प्लेट में से ज्यादा भारी, वैसे तो दोनों प्लेट कौन सी है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी सी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी सोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो जो एब्सोल्यूट सबडक्शन है ना वो यहां पर नहीं हो पाता, दोनों प्लेट यहां सेम डेंसिटी की है, ठीक है, लगभग। ये पी वन रो वन है, ये पी टू रो टू है, तो ये जो है पी वन रो वन जो है लगभग लगभग किसके बराबर है, पी टू के बराबर है, लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम है। तो इसकी वजह से एब्सोल्यूट जो होता था ना वो एकदम से ऐसे खड़ा बिल्कुल धस जाती थी और दूसरा बिल्कुल ऊपर, वो नहीं हो पाता। इसकी जगह पे अब क्या होगा, यहां पर डबलिंग हो जाएगी, जो आपकी जो क्रस्ट है वो डबल हो जाएगी। कैसे, देखो ये इंडियन प्लेट है, ये हल्की सी नीचे धसेगी ऐसे, लाइक हल्की सी, और जो दूसरी प्लेट है अपनी, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं यूरेशियन प्लेट, वो हल्की सी इसके ऊपर आ जाएगी, बस ये होगा, बहुत हल्का। अब ये देखो वास्तव में उसमें तो क्रस्ट कमजोर होती है, लेकिन इसमें देखो इस सबडक्शन जोन में ना इस क्रस्ट की थिकनेस जो है, क्रस्ट की यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर थिकनेस जो है वो क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है, और इस इंक्रीज इन थिकनेस की वजह से यहाँ हिमालयन इस रीजन के अंदर भूकंप आते हैं, लेकिन भूकंप तो आएंगे क्योंकि दोनों टकराए हैं ना भाई। इस जोन के अंदर अगर मैं बात करूँ, कौन से जोन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन भाई। इस जोन में अगर हम बात करें तो भूकंप तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या इस जोन के अंदर ज्वालामुखी आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्रस्ट डबल हो चुकी है। तो इसलिए पूछा जाता है कि हिमालय के रीजन में, बिकॉज हिमालय इज ऑल्सो अ फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन है तो सबडक्शन जोन के ऊपर बना होगा, लेकिन स्टिल भारत के अंदर वोल्केनो हिमालय के रीजन में वोल्केनो नहीं देखे जाते, क्यों, तो आप बोलोगे बिकॉज दोनों प्लेटों का डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है, भारत वाली प्लेट का थोड़ा सा ज्यादा है बट स्टिल ऑलमोस्ट सेम है, तो उसकी वजह से ना वो एब्सोल्यूट सबडक्ट नहीं हो पाती, वो एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ जाती है, एक डबल लेयर बन जाती है, और जिसकी वजह से क्रस्ट की थिकनेस बढ़ जाती है। वोल्केनो कब आएगा, ज्वालामुखी कब आएगा, पहला तो लावा बनेगा, तो यहाँ लावा इतना बहुत ज्यादा बनता नहीं है, बहुत थोड़ा लावा बनता है। दूसरा, लावा तब निकलता है जब उसको क्रस्ट कमजोर दिखती है, यहां तो क्रस्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग है, दुगनी स्ट्रांग है, तो यहां से वोल्केनो जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। सो दिस इज द फोर्थ केस, ठीक है भाई। हमने बताया था वोल्केनो आपके बेसिकली कितने टाइप के हो गए थे, आपके यहां पर चार टाइप से बताए थे मैंने आपको, देखो इंट्राप्लेट वोल्केनो, मिड अटलांटिक, ये सबसे लास्ट में किया है मैंने, ठीक है, ये जो है अपन ने वो सबसे लास्ट में डिस्कस किया है, सबसे लास्ट में, सो लास्ट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी बात थी यार, रह गई थी, वो क्या है वो देख लो यार, एक शैडो जोन होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में छाया क्षेत्र। ये क्या होता है, छाया मतलब भाई जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे, उसको बोलते हैं ना छाया क्षेत्र, इसी प्रकार से। दो मिनट, एक मिनट बस। अब होता क्या है ना, भूकंप के दौरान वेव निकलती है, सबको पता है ना भूकंप क्या होता है, प्लेट जहां टकराती है पृथ्वी के नीचे, फोकस जो होता है सतह के नीचे, जहां पर आपका भूकंप उत्पन्न होता है, ओरिजिन होता है, याद है, वहां से क्या निकलती थी, वेव। वेव कितने टाइप की होती थी, तीन प्रकार की, पी वेव, एस वेव और एल वेव। तीनों वेव की प्रॉपर्टी थी जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, देखो लिखी हुई है, पी वेव को बोलते थे प्राइमरी वेव, और जो प्राइमरी वेव होती थी ये सिर्फ और सिर्फ किससे मीडियम, किस मीडियम से गुजरती थी, दे कैन ट्रेवल थ्रू द ऑल मीडियम, ठीक है। दूसरा एस वेव, एस वेव कहां से गुजरती थी, ओनली सॉलिड, और ये तीसरे वाली, ये भी ऑल मीडियम से गुजर जाती थी, है ना। अब होता क्या है ना, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजरती है ना पी वेव, तो वो थोड़ी बेंड होके निकलती है, जैसे मान के चलो ये फोकस है, यहां से आया है ना, तो ये यहां से सारी वेव जनरेट होगी आपका, देखो सारी, ठीक है। अब ये क्या है, आपका क्रस्ट है, अब जैसे ही कोर में पहुंचती है, जब यहां पहुंचती है, अब कोर कैसा हो गया भाई, जैसे ही लिक्विड आएगा, पृथ्वी के अंदर लिक्विड भी आएगा, तो लिक्विड में तो एस वेव जा ही नहीं पाएगी ना, एस वेव तो सिर्फ सॉलिड से गुजरती है, है ना। तो ये जो जोन होता है ना, ये एस वेव के लिए शेडो जोन है, क्योंकि यहां पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसके बाद में वो लिक्विड शुरू हो जाता है, तो यहां एस वेव नहीं, तो दिस इज द शेडो जोन ऑफ द एस वेव। तो शेडो जोन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां एक पर्टिकुलर वेव नहीं पहुंच पाती ना, उसको उस वेव का शेडो जोन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, ये एस वेव का हो गया,
अब ऐसे ही पी वेव का भी होता है, क्या होता है ना, पी वेव यहाँ तक तो चलेगी बट जैसे ही इस जोन में आएगी, जैसे लिक्विड में आएगी, थोड़ी बैंड हो जाती है वो ऐसे और फिर ऐसे, तो ये जोन जो है ये रह जाता है, यहाँ पर पी वेव नहीं जा पाती, इसलिए इसको बोलते हैं शेडो जोन ऑफ द पी वेव। तो शेडो जोन क्या होता है, बेसिकली आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा व्हाट इज शेडो जोन इन अर्थक्वेक। तो शेडो जोन क्या होता है, सिंपल बताना सर, शेडो जोन वो जोन होता है जहाँ पर कोई अर्थक्वेक वेव जो है वो नहीं पहुँच पाए। आप भाई भूकंप को मापते हो किससे, आप जो सिस्मोग्राफ से मीजर करते हो, तो ऐसा क्षेत्र जहां सिस्मोग्राफ के ऊपर कोई रीडिंग ना आए, कोई पर्टिकुलर वेव ना आए, उसको हम बोलते हैं शेडो जोन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। आई होप आपको चीजें सारी समझ में आ गई होंगी यार, ठीक है। सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास, आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, है ना। सो होप यू एंजॉय द सेशन, सो प्लीज यार लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर सवाल है आपको तो वो कमेंट कर देना। सिमरन गौतम सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, प्लीज बोल दो विक्की भाई को। तो विक्की नहीं है, नरेंद्र जी है यहाँ पर, तो नरेंद्र जी पीडीएफ नहीं मिल रहा है बच्चों को, ठीक है, आपकी समस्या सुन ली है इन्होंने और पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ रिक्त वाला जगह है जहाँ भूकंप नहीं आता, ठीक है, दैट जोन इज नोन एज सबडक्शन जोन। अच्छा ये पीडीएफ आपको यही मिलेगी, ठीक है, जो अब ये है ये आप पीडीएफ दें। चलिए ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द सेशन, सो प्लीज गाइस शेयर इट, लाइक इज एज मच एज यू कैन, और अपना प्यार जो है यार दोस्तों बनाए रखो, वो बहुत जरूरी है ना, वही मोटिवेशन देता है, वही प्रेरणा देता है काम करने की। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।